दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ब्लॉक 6 कांग्रेस कमेटी द्वारा पेट्रोल डीजल एवं रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित होकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से सरिता जितेंद्र साहू देवई थाने के समीप स्थित पेट्रोल पंप पहुंचे और विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर मोदी सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। हमारे देश में है मोदी मोदी का नारा लगाते हैं। मैं उन अंध भक्तों से पूछना चाहता हूं, पेट्रोल गैस हर चीज का रेट बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, उसके बाद भी मोदी मोदी इससे देश चलेगा क्या? इतने बढ़ती महंगाई में इतना महंगाई हो रहा है, युवा बेरोजगार है और लोग महंगाई से परेशान है, और फिर भी अंध भक्त लोग धर्म के नाम में राजनीति करके हिंदू हिंदू करके इससे देश बचेगा कि देश बिकेगा? देश को बर्बाद करने वाली मोदी सरकार को हटाने के लिए आज राष्ट्रव्यापी कांग्रेस ने जो हड़ताल आंदोलन किया है उसका हम समर्थन करते हुए ब्लॉक 6 कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज हम महंगाई के विरोध में यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बढ़ती महंगाई के खिलाफ। और ये रेट अगर नहीं कम होगा तो निरंतर हम लोगों का ये आंदोलन चलता रहेगा और धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आम जनता महंगाई के मारे उनकी कमर टूट रही है, इसलिए आज केंद्र सरकार के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ब्लॉक 6 रिसाली के द्वारा महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। और मैं केंद्र सरकार को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप लोग होश में आकर के राजनीति करें, गंदी राजनीति ना करें, कम से कम मजदूर और मध्यम वर्ग को देख करके राजनीति करें। इन्हीं भावनाओं के साथ में आज आए हुए हमारे समस्त कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। गैस सिलेंडर का पेट्रोल का जो भाव बढ़ा रहे हैं उसे हम गृहिणियों का जो रसोई गैस में जो महंगाई के मार पड़ रही है वो हमारे पूरा सीधा सीधा हमारे किचन में पड़ रहे हैं, इससे हमारी बहनों को बहुत तकलीफ हो रही है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मोदी सरकार अपना आँख खोल के देखे। एक चाय बनाने वाले अपना दिन भूल गया, वोट मांगने से पहले बोलते थे मैं चाय बनाने वाला हूँ, सब गरीबों को जानता हूँ बोलता था, कहाँ गया आज मोदी सरकार का गरीबी वाला? आज जैसे ही पद में बैठा भूल गए अपने औकात को क्या? तो हम बहने चाहते हैं कि हमारे गैस सिलेंडर का रेट कम करें, पेट्रोल का रेट कम करें, नहीं तो हम लोग सदा दिन पैदल चलने वाले लोग हैं, पूरा पेट्रोल ही बंद करेंगे और पैदल चलना चालू कर देंगे। ऐसे हम महिलाओं का ये